अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।